प्लेट हो गया था ना। अभी लाइव कितने बजे किए हो? लाइव अभी नहीं किए हो? फेस प्लेट के बारे में हम लोग सर पढ़ रहे थे, इसके बाद हम लोग चलते हैं सर क्वालिट चेक के बारे में। क्वालिट चेक क्या है? क्वालिट चेक होता है सर, देखिए फेस प्लेट हम बोले थे फोर्जर चक में ऐसे पकड़ते हैं वर्कपीस को, चार जबड़ा होता है, चारों जबड़े से ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते हैं, चारों जबड़े से ऐसे पकड़ते हैं। थ्री जो चक में तीन गो जबड़ा से पकड़ते हैं, टू जो चक में दो गो जबड़ा से पकड़ते हैं, एक जो चक होता नहीं। तब समस्या ही है कि फिर फेस प्लेट में क्या था, नट एंड बोल्ट के द्वारा बांधा जाता था। अब है कॉलेट चक, कॉलेट चक ऐसा होता, ऐसे पकड़ता है, ऐसे गोलाकार होता है, इसमें घुसा के ऐसे टाइट कर देते, इसको हम कॉलेट चक कहते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, जो चार जबड़े होते हैं वो ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे तो निशान बनने का चांस होता है, लेकिन अगर ऐसे पकड़ेंगे तो निशान बनेगा, वही होता है कॉलेट चक। कॉलेट चक एक सिलेंड्रिकल वर्क पीस होता है, कॉलेट चक जो होता है मेरे दोस्त, ये एक सिलेंड्रिकल वर्क पीस होता है ऐसा, और इसमें हम वर्क पीस को ऐसे पकड़ते हैं और यहां पर नट बोल्ट लगा के क्लैंप कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। इस पर बताओ निशान पड़ने के कोई चांसेस हैं सर? अगर ऐसे हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो निशान बनेगा क्या? बनेगा क्या? लेकिन अगर ऐसे पकड़ेंगे तब तो सर इसमें निशान नहीं बनता है, लेकिन इसका सर खासियत यह है कि सिर्फ बेलनाकार वर्क पीस ही पकड़ाएगा, अन्य वर्क पीस नहीं पकड़ाएगा, जब भी पकड़ाएगा बेलनाकार वर्क पीस ही पकड़ाएगा। तो बेलनाकार वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम लोग कॉलेट चक का प्रयोग करते हैं, इस टाइप का होता है, ये कॉलेट चक है, इसमें देखो ये वर्कपीस घुसा हुआ है, ऐसे निशान नहीं पड़ता है। लंबा वर्कपीस होगा तभी पकड़ पाएंगे, बेलनाकार भी होना चाहिए। आप कहोगे लंबा नहीं होगा, छोटा होगा तो क्या होगा? अब इतने बड़का वर्कपीस होगा तो की घुसाएंगे, केकरा पकड़ेंगे, केकरा छीलेंगे, बोलो ना। तो वर्कपीस कैसा होना चाहिए? लंबा वर्कपीस जब भी होना चाहिए कैसा होना चाहिए? लंबा। तो कहते हैं देखो यही है कॉलेट चक, ये है मेरे दोस्त कॉलेट चक, ठीक है। कॉलेट चक में ये इसी में वर्कपीस को घुसा के पकड़ते हैं, इसमें वर्कपीस को घुसा के पकड़ते हैं और तब इसको टाइट कर देते हैं, इसमें वर्कपीस को घुसा के पकड़ते हैं और तब इसको टाइट कर देते हैं, यही है कॉलेट चक। कहते हैं लंबे बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए कौन चक का प्रयोग करते हैं? कौन चक का प्रयोग करते हैं? कॉलेट चक का। कॉलेट चक से वस्तु को पकड़ने पर उस पर कोई निशान नहीं पड़ता। लंबा वर्कपीस होगा तब पकड़ेंगे कि छोटा वर्कपीस होगा तब पकड़ेंगे? और कैसा? बेलनाकार ना। कहता कॉलेट चक एलॉय स्टील का बना होता है, किसका बना होता है? उपयोग वृत्ताकार जॉब, वर्गाकार, मेनली वृत्ताकार जॉब के लिए, वृत्ताकार मतलब ऐसा वर्गाकार जॉब भी पकड़ते हैं, षड्भुजाकार जॉब भी के लिए भी कॉलेट चक का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेनली किसके लिए? वृत्ताकार या बेलनाकार, वृत्ताकार या कौन? बेलनाकार। और किसका बना होता है सर? एलॉय स्टील का। किसका बना होता है? अबे मैंड्रिल। मैंड्रिल क्या है मेरे पास? ये है मैंड्रिल, ये है मैंड्रिल, ये इसको इस साइड हेड स्टॉक के फोर्जर चक के द्वारा पकड़ा जाता है, ये वर्कपीस है। अब देखो इसमें मामला क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पाइप है, क्या है मेरे दोस्त? पाइप है, और पूरे पाइप की मशीनिंग एक बार में करनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पूरा का पूरा मशीनिंग, इसको हम एक बार में यहां से यहां तक चाहते हैं डायमीटर कम करने, तो पहले तो इसको सर अगर हम फोर्जा चक से पकड़ते हैं तो इसका तो कुछ पार्ट हम पकड़ ना लेंगे हो। अगर हम फोर्जा चक से ऐसे पकड़ते हैं इसका तो कुछ पार्ट हम पकड़ न लेंगे। अरे इतने पार्ट हो पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे?
तो फिर मान लो इतना दूर हम डायमीटर कम कर देंगे, फिर इतना दूर डायमीटर कम करने के लिए पलट के पकड़ना होगा। जैसे कभी पेंसिलवा छिले हो, अगर मान लो हमको ऐसे छिलना होता था ऐसे 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 छिलते हैं, अब फिर अगर इससे छिलना होता था इसे पकड़ के ऐसे छिलते हैं, बोलो ना। तो अगर हम कोई पूरे व्यास की एक साथ हम चाहते हैं यहां से यहां तक एक बार में हम डायमीटर कम कर दें, बार बार ना पकड़े, उसके लिए हम लोग मैंड्रिल यूज करते हैं। अब मैंड्रिल करता क्या है सर, ये खोखला वर्कपीस होगा तभी मैंड्रिल का यूज कर सकते हैं। इसे क्या करते हैं, ये वर्कपीस है ना, इसमें सर एगो मतलब ये कह सकता है रॉड घुसा देते हैं, रॉड घुसा के पकड़ लेते हैं, रॉड घुसा के इसको इस पर टाइट कर देते हैं, इसको फोर्जा चक पे पकड़ लेते हैं। अब फोर्जा चक पे जब पकड़ेंगे यहाँ पर सर टूल फंसाएंगे, टूल यहाँ सटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक के बारे में मशीनिंग नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर फोर्जा चक पे पकड़ेंगे तब क्या होगा, अगर फोर्जा चक पे इसको पकड़ेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आधा को पकड़ भी करेंगे आधा में होगा, फिर पलटी मार के सेंटरिंग करना होगा, नहीं करना होगा। देखिए अगर मान लो कि हमको पूरा का मशीनिंग करना है, पूरे का व्यास कम करना है, इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे पकड़ेंगे असर पकड़ेंगे ना, मशीनिंग कर देंगे मान लो यहां से यहां तक, फिर पलटी मारना पड़ेगा, तब ना इतना बचा हुआ पार्ट मशीनिंग होगा जगह पकड़े हुए थे। तो सर उसी के लिए हम लोग मैंड्रिल यूज करते हैं कि इसमें फंसा देते हैं, फंसा के टाइट कर देते हैं, और टाइट करने के बाद एक बार यहां से यहां तक पूरे ब्यास की मशीनिंग एक बार में हो जाती है। लेकिन ये कैसे वर्कपीस के लिए होगा, खोखला वर्कपीस के लिए, क्योंकि खोखला होगा तब ना फंसेगा हो, अरे इसमें जो फंसाएंगे तो खोखला होगा तब ना फंसेगा, बोले मैं नहीं करता, खोखला होगा तभी ना एकदम फंसेगा। तो कहते हैं खोखले वर्कपीस के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, एक साथ पूरे ब्यास की मशीनिंग करनी है तब इसका उपयोग करते हैं, किसका, मैंड्रिल का। मैंड्रिल को किसके द्वारा पकड़ा जाता है, फोर्जा चक के द्वारा, किसके द्वारा, देखो जैसे ये वर्कपीस है, ये जो तुम देख रहे हो ये फोर्जा चक से पकड़ लिया, ये मैंड्रिल है, क्या ये, और ये जो तुम देख रहे हो ना ये वर्कपीस है, ये डिस्क दिख रहा है। अब बताओ इतना पतला डिस्क को हम फोर्जा चक से पकड़ेंगे तो बचेगा कि, इसी में देखो एक मैंड्रिल घुसा दिया गया, बोलो नहीं करे, इसी में क्या घुसा दिया गया, मैंड्रिल घुसा दिया था। अब यहां पर हम टूल सटाएंगे तो छिला नहीं जाएगा पूरा का पूरा, बोलो नहीं करता तो मैंड्रिल, लेकिन खोखला वर्कपीस के लिए कि सॉलिड वर्क पीस के लिए, किसके लिए, खोखला होगा तो मैंड्रिल घुसाएंगे हो, अब पूरे ब्यास की मशीनिंग एक बार में कर देगा। लेकिन देखो होता क्या है, चूंकि खोखला वर्क पीस होता है तो बहुत ज्यादा नहीं काट सकते हैं, हम बोले ना आज से 2 साल पहले पढ़ाए हैं, लेकिन आज भी याद है उतने ही ताजा से, कि अगर खोखला है तो खोखला है इसका मतलब पाइप नुमा है, पाइप नुमा है तो ज्यादा धसाएंगे तो कुछ बचेगा, बोले मैं नहीं करता। अगर सॉलिड है तब तो कितना धसाएंगे तो बचेगा, लेकिन अगर खोखला है, खोखला है आप बहुत ज्यादा धसा देंगे तो कुछ बचेगा, तब कब उड़ जाएगा। तो कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ कट देंगे कि कम देंगे, हाँ, आ खोखला वर्कपीस के लिए कि सॉलिड वर्कपीस के लिए, आप पूरे व्यास की मशीनिंग एक बार में कर देगा। मैंड्रिल खोखले वर्कपीस में सर प्रवेश करता है, गौर फरमाइएगा, देखो यहां भी देख लो, ये देखो टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक से सपोर्ट दिया है, यहां ये फोर्जा चक से पकड़ लिया है, और ये है आपका मैंड्रिल, बोलन दे, और ये है तुम्हारा वर्कपीस, ये क्या है मेरे दोस्त, क्या है ये, वर्कपीस है। कहते हैं इसका प्रयोग ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की मशीनिंग करना हो, अर्थात पूरे वर्कपीस के व्यास को कम करना, पूरा का पूरा वर्कपीस जो होगा ऐसा, इसके पूरे वर्कपीस के व्यास को एक के बार में कम करना होगा, दो बार में कम करना, तो बताओ एक के बार सेंटरिंग करना होगा कि फिर पलट पलट के फिर सीधा करके सेंटरिंग करना होगा। तो कहते हैं मैंड्रिल का उपयोग बहुत कम काटने के लिए, बहुत ज्यादा धसाने के लिए, बहुत कम काटने के लिए किया जाता है। जब जॉब खोखला हो तथा उसे समस्त लंबाई में, जितना लंबा हो उसके समस्त लंबाई में, समस्त लंबाई में कि कुछ भाग बच जाएगा, हाँ, अरे समस्त लंबाई में व्यास कम होगा कि कुछ भाग बच जाएगा,
समस्त लंबाई में टर्न करना हो तो किसका उपयोग करते हैं? मैंड्रिल। मैंड्रिल का उपयोग बार बार सेंटरिंग करने से बचा जा सकता है कि नहीं बचा जा सकता? आप फिर कहता है मैंड्रिल का प्रयोग ट्यूब ड्राइंग में भी करते हैं। ट्यूब का मतलब भी पाइप होता है। ट्यूब का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? पाइप की ड्राइंग। ड्राइंग करना मतलब बनाने में भी किया जाता। अब है मैग्नेटिक चौक, यही है मैग्नेटिक चौक। इसर देखो फोरजा चक में ऐसे पकड़ते थे, बोलन रे टूजा चक में भी तीन जबड़ा से पकड़ते थे, फेस प्लेट में बांधते थे, कॉलेट चक में घुसाते थे, एकरा में खाली ऐसे सटा देगा तो सट जाएगा लोहा, क्योंकि मैग्नेट है। इसको न्यूमेटिक चक भी कहते हैं। कौन चक कहते हैं? इसका दूसरा नाम न्यूमेटिक चक है। इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूमेटिक चक। कहता है मैग्नेटिक चक या इसी को न्यूमेटिक चक भी कहते हैं। रुक रुक रुक, इसको नहीं, हाइड्रोलिक चक को न्यूमेटिक चक कहते हैं। इट्स माय मिस्टेक। हाइड्रोलिक चक को न्यूमेटिक चक कहते हैं। आगे होगा शायद, देखो है ना। हाइड्रोलिक चक को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक चक। इचला ऐसा चीज है ना कि हम मिस करेंगे हमको फट से याद आ जाए। क्यों? क्योंकि न्यूमेटिक मतलब होता है द्रव, तो न्यूमेटिक मतलब हाइड्रोलिक मतलब भी द्रव होता है। हाइड्रोलिक मतलब भी क्या होता है? द्रव। इसमें देखो आसान क्या होता है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि अलोह पदार्थ के लिए यूज नहीं होगा। बताओ जो लोहा नहीं होगा वो एक सटेगा? मेनली होता क्या है मेरे दोस्त कि अगर चक है ना, इसमें हम इसको सटा दिया, सटा के ऐसे टूल लेके गए, ये घूम रहा है, टूल लेके ऐसे सटाएंगे तो इन व्यास को कम नहीं कर देगा, छिलने देगा। तो छिल देगा मेरे दोस्त। इसमें भी क्या करते हैं, यहां पर वर्कपीस को हम सटा देंगे, और सटा देंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, चक फोर्जर चक से कटिंग टूल से इसको छिल देंगे, काट देंगे, छेद देंगे। लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ लोह पदार्थों के लिए किया जा सकता है, अलोह पदार्थ के लिए इसका प्रयोग नहीं करते। अब तीसरा बात इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा बहुत हाई स्ट्रेंथ नहीं होता है। जोर से थोड़ा टूल सटा दोगे तो क्या हो जाए? गिर जाए, वर्क पीछे गिर जाए। तो कहते हैं मेरे दोस्त मैग्नेटिक चक की सहायता से लोह पदार्थ से बने जॉब को पकड़ा जा सकता है। इसको, ये जो मैग्नेटिक चक है, इसको किस पर पकड़ते हैं? फोरजा चक। अरे इसको तो पकड़ना ना पड़ेगा, इसको पकड़ते हैं किसके द्वारा? फोरजा चक। फोरजा की चक की मदद से पकड़ा जाता है। अब हाइड्रोलिक चक। ये हाइड्रोलिक चक क्या होता है मेरे दोस्त? ऐसे करके हम लोग ऐसे जो प्रेशर देते हैं, चाबी लगा के ऐसे घुमा घुमा के टाइट करते थे जबड़ा, असर अगर चाबी लगा लगा के नहीं टाइट करके हम हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा टाइट करें, हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा पकड़े, उसको हम हाइड्रोलिक चक कहते हैं। इस चक में आवाज कम होता है। इसका दूसरा नाम न्यूमेटिक चक है। कहते हैं हाइड्रोलिक चक को न्यूमेटिक चक भी कहते हैं। इसकी मदद से बहुत अधिक प्रोडक्शन संभव है, क्योंकि सर इसमें ना आवाज होता है और टाइट करने में भी आसानी होती है। अगला है मेन स्पिंडल। ये भी वही है, कॉलेट चक जम रहा था ना। कॉलेट चक में क्या करते थे? वर्कपीस को घुसा देते थे इसमें, बोलो ना। इसमें भी वर्कपीस को घुसा देंगे। ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता। इसमें भी बताओ लंबा वर्कपीस की छोटा वर्कपीस? अरे जब घुसेगा इसका मतलब लंबा वर्कपीस ना। लंबे बेलनाकार वर्कपीस के लिए हम लोग मेन स्पिंडल का उपयोग करते हैं। ये अलॉय स्टील का बना होता है। देखो ये जो खोखला भाग देख रहा है, ये वाला, इसी खोखला भाग में मेरे दोस्त, इसी खोखला भाग में वर्कपीस को घुसा देते हैं। इसी खोखला भाग में वर्कपीस को क्या करते हैं? घुसा देते हैं। कहता है मेन स्पिंडल निकेल क्रोमियम इस्पात का बना होता है। लंबी छड़ों को, बताओ छोटा छड़ होगा तो उसमें घुसेगा तो घुसिए जाएगा तो मशीनिंग क्या करेंगे? बोलवे नहीं करेंगे। लंबी छड़ों को पकड़ने के लिए मेन स्पिंडल का उपयोग किया जाता है, तथा मेन स्पिंडल को किसके द्वारा पकड़ेंगे? अरे मेन स्पिंडल को पकड़ेंगे इसको, तब ना इसमें वर्कपीस घुसाएंगे। किसके द्वारा? फोरजा चक की सहायता से। मेन स्पिंडल में खोखला भाग होता है जिसमें वर्कपीस को डाल दिया जाता है, तथा क्लैंप की सहायता से इसमें वर्कपीस को डाल देंगे। ये वर्कपीस से डाल देंगे और डाल के यहाँ क्लैंप होता है नट, जिससे की सहायता से इसको टाइट कर देंगे तो वर्कपीस टाइट हो जाएगा। बोलो ना,
ये सब वर्क होल्डिंग डिवाइस है मेरे दोस्त, जॉब होल्डिंग डिवाइस। उसके बाद ड्राइव मैकेनिज्म, ड्राइव मैकेनिज्म मतलब ये हेड स्टॉक में होगा कि टेल स्टॉक में होगा? एनटीपीसी का रिजल्ट डेट आ गया है 10 तारीख। दस की आठ, 10 तारीख का है ऐसे। देखो ये यहां पर ये होता है सर, ये हो गया आपका हेड स्टॉक, ये हो गया टेल स्टॉक, बोलो ना। यहीं पर ना वर्क पीस पकड़ते हैं, ये कटिंग टूल होता है, सही कि गलत? अरे हेड स्टॉक की टेल स्टॉक आई भैया, ये जो ड्राइव मैकेनिज्म है, ड्राइव मैकेनिज्म जो ड्राइव करता हो, इसमें क्या क्या होता है? इसमें मोटर होता है, गियर होता है, इसमें सर मोटर होता है, गियर होता है, ये सारी चीजें इसमें होती है। ड्राइव मैकेनिज्म के द्वारा हम गति को कम या ज्यादा करते हैं। जब गियर लगल है तो ऑब्वियसली एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर गियर होता होगा। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर गियर क्या है? उसकी सहायता से हम गति को कम या ज्यादा करते हैं। बोलो ना। तो कहते हैं ड्राइव मैकेनिज्म। देखो हमको एक बात बताओ कि जब हम गियर चेंज करेंगे, गियर जब हम चेंज करेंगे तो रोक देंगे, अब बैक गियर लगाएंगे तो गति कम कर देंगे, ये गलत है। जब बैक गियर लगाएंगे तो गति कम कर रोक देंगे। कभी भी तुम किसी गाड़ी में बैक गियर लगाया है? अरे गाड़ी में कभी बैक गियर लगाते हुए देखा है? चलती गाड़ी में स्पीड कम करके बैक गियर लग जाएगा? लग जाएगा, एकदम नहीं लगेगा। जब बैक गियर लगाते हैं तो गति को क्या करते हैं? रोक देते हैं। और जब गियर बदलते हैं तो गति को स्लो करते हैं, क्लच लेते हैं, क्लच लेते हैं, इंजन से गियर बॉक्स अलग हो जाता है, अलग होने के बाद स्पीड कम होता है तब गियर लगा देते हैं। गाड़ियां नहीं चलाया तो की करें? अरे कभी गाड़ी चलाए हो? क्लच का ना, क्लच का क्या काम? क्लच का क्या काम? क्लच का काम है इंजन को गियर बॉक्स से अलग कर दें। तो सर जब भी हम बैक गियर लगाते हैं तो गाड़ी रोकेंगे तभी बैक गियर लगे, और अगर हमको टॉप भी गियर लगाना है तो गति को कम करते हैं, क्लच लेते हैं, गति कम होता। कभी देखा है एक्सलेटर लेके गियर चेंज करते हुए? कभी नहीं होता। एक्सलेटर छोड़ देंगे, क्लच ले लेंगे, गियर बदल लेंगे, अब चले भी नहीं किया तो गोंगो गोंगो होगा। ड्राइव मैकेनिज्म में टम्बलर गियर यूनिट का यूज किया जाता है। टम्बलर गियर मतलब होता है रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन में दो गियर होता है, एक रैक होता है और दूसरा क्या होता है? पिनियन होता है। जब बैक गियर लगाते हैं इसमें स्पीड को कम करते हैं, और जब गियर बदलते हैं तो रोक देते हैं, उल्टा होता है इसमें। बैक गियर लगाते हैं तो स्पीड को क्या करते हैं? कम करते हैं, और अगर करते हैं तो गति को रोक देते हैं। गियर मैकेनिज्म का काम है गति को घटाना या बढ़ाना। ड्राइव मैकेनिज्म में को गियर ड्राइव मैकेनिज्म कह सकते हैं? काहे? क्योंकि एकदम गियर बॉक्स होता है। बोलवे नहीं करें। कहता है बैक गियर लगाने पर स्पीड को कम किया जाता है, सही है? और लेद में गियर तब बदला जाता है जब लेद क्या हो? घटा हुआ हो। टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं? कौन कौन? एक होता है रैक, एक होता है पिनियन। पता है अखिलेश बाबू की अभी तक गाड़ी चलाने का नसीब नहीं हुआ है। अभी उम्र में जवानी में गाड़ी ने चलाया, मामला चला गड़बड़ है। कहता है फीड को, फीड मतलब डेप्थ ऑफ कट, कितना धसा के काटेंगे। फीड मतलब होता है मेरे दोस्त डेप्थ ऑफ कट।
कितना धसा के काटेंगे। तथा फीड को कम या ज्यादा करने के लिए, उसकी दिशा बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टम्बलर गियर। टम्बलर गियर मतलब क्या? रैक एंड पिनियन। ये तुमको हम पढ़ाएंगे, चलाएगा चैप्टर है गियर, वहां हम सब टाइप का गियर तुमको पढ़ा देंगे, आगे आने वाला है। इसके बाद है मेरे दोस्त गियर बॉक्स मैकेनिज्म। अब गियर बॉक्स मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, एक में चला गियर बॉक्स मैकेनिज्म जो है यही है, ये बहुत कम जगह में ही मैकेनिज्म होता है। सबसे बड़ा उपलब्धि है लेद मशीन के गियर बॉक्स का कि बहुत कम जगह में ये डिजाइन किया हुआ होता है। इसमें दो लीवर होते हैं ऑपरेटर के लिए जिसके द्वारा वो गियर को बदलता है। कितने लीवर होते हैं? लीवर समझता है? अरे कभी बस में ऐसे ऐसे करके गियर चेंज करते हुए देखा है? नहीं देखा है, उसी को लीवर कहते हैं। इसमें कितने लीवर होते हैं? दो, जिसके द्वारा ऑपरेटर गियर को बदलता है। गियर बदलने के बाद गति को कम या ज्यादा करेंगे? अरे गियर बदलने के बाद गति को क्या करेंगे? कम या ज्यादा करेंगे। तो कहता है गियर बॉक्स मैकेनिज्म के लाभ, कम जगह में अधिक स्पिंडल गति को डिजाइन करता है, केवल दो लीवर ऑपरेट करने से गति बदल जाता है, अर्थात इसमें गति बदलने में कम समय लगेगा कि ज्यादा समय लगेगा? दुए को लीवर रहता है, अन्य जब बड़ा बड़ा मशीन में जाओगे 10-10 को लीवर रहता है। गति बदलना, तेरा उठाना है, ओगरा डाउन करना है, ओगरा उठाना है, ओगरा कम करना है, ओगरा इधर घुमाना है, ओगरा उधर घुमाना है, तब जाकर गति बदलेगा। जबकि इसमें मात्र कितने लीवर होते हैं? दो। अब आ जाओ कैरेज। ये बड़ी उल्टी चीज है, कैरेज को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नहीं है, लेकिन बड़ा प्यार और मोहब्बत से समझना हो। कैरेज, एप्रॉन, लीड स्क्रू, ये सब थोड़ा सा 3-4 टॉपिक इसका उल्टा है, बाकी सब ठीक है, लेकिन हम यो तरह समझा देंगे। लेकिन उसके लिए तुमको बड़ा प्यार मोहब्बत से समझना हो। इसको कहते हैं हेड स्टॉक। एकरा में कोई डाउट है? क्या कहते हैं इसको? और यहां जो लगा हुआ है इसको स्पिंडल कहते हैं। बोलन रे। हाँ कहे नहीं, बैठिए। हाँ बैठो न। बिन तेरी चाहतों के, ये हो गया मेरे दोस्त टेल स्टॉक। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? और ये जो पूरा है ना, इसी को कहते हैं कैरेज। इसमें सब कुछ है, टूल भी एक रे में लगल है। इसमें होता है एक सैडल, एक होता है कंपाउंड रेस्ट, एक होता है क्रॉस स्लाइड, एक होता है टूल पोस्ट, एक होता है टूल। ये सारे इसके मैकेनिज्म हैं। टूल पोस्ट, टूल, कैरेज, कैरेज का पार्ट क्या क्या? टूल पोस्ट, टूल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, सैडल, लेड बेड। अब तुम कहेगा मास्टर साहब समझेंगे कैसे? बोलन दे। नहीं बोलेगा, मतलब पैसा दे दिया खाली हम ही बोलेंगे? देखो सबसे नीचे ये जो देख रही है, इसी पर ऐसे ऐसे चलता है टूल पोस्ट। बोलन दे। लेडवेड ने इसको कहते हैं गाइडर। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं गाइडर। तो ये हो गया गाइडर। गाइडर के ऊपर जो स्लाइड करता है इसको कहते हैं सैडल। हिंदी इंग्लिश एक समान। क्या कहते हैं इसको? सैडल के ऊपर होता है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर होता है टूल पोस्ट। जगड़ा पर टूल किया हुआ होता है पोस्ट, इसको कहते हैं टूल। सबसे नीचे गाइडर, गाइडर के ऊपर सैडल ऐसे ऐसे जाता है।
ई जाएगा तो ई सबको भी जाना होगा, सैडल के ऊपर, क्रॉस लाइट के ऊपर, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर, टूल पोस्ट के ऊपर, यही मामला है। तुम देखो बिन तेरी ये गाइडर हुआ बोलन रे, अब गाइडर के ऊपर तुमको सैडल नहीं दिख रहा होगा लेकिन क्रॉस लाइट दिख रहा है कि नहीं, ये वाला बोलन रे, अब क्रॉस लाइट के ऊपर किधर गया, कंपाउंड रेस्ट कहां गया, हाँ यहां देखो ये कंपाउंड रेस्ट है बोलन रे, अब कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट या टूल होल्डर है, एकरे में लगल रहता है टूल, तब तुमको कहेगा आगे पीछे कौन करता है, सैडल, सैडल किसको धारण किए हुए है, क्रॉस लाइट को, क्रॉस लाइट किसको धारण किए हुए, कंपाउंड रेस्ट को, कंपाउंड रेस्ट किसको धारण किए हुए, टूल पोस्ट को, टूल पोस्ट किसको धारण किए हुए, टूल, सबसे नीचे कौन, सैडल, सैडल के बाद क्रॉस लाइट के बाद कंपाउंड रेस्ट के बाद टूल पोस्ट के बाद, बुझाता कि ना बुझाता, बोलो ना रे, सबसे नीचे कौन, पैडल के बाद क्रॉस लाइट ना, क्रॉस लाइट के बाद कंपाउंड रेस्ट के बाद टूल पोस्ट के बाद टूल, सही है। और ये किसके किसके बीच में होगा, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में ये मामला होता है, जिसको हम कैरेज नाम है, इसका कैरेज, कैरेज कैरी करता है, कैरेज क्या करता है, कैरी करता है, कैरी करना मतलब होता है ढोना, कैरी करना मतलब इसे ढोता है इन सब चीजों को, ई होल को मिला के कहते हैं कैरेज। देख लो यहां भी तुमको फिगर में भी दिखेगा, देखो ये पूरा को मिला के देखो तो कैरेज कह रहे हैं, बोलन जी। तो प्यारे बच्चों अगर हम क्रॉस लाए ये क्या बोलते हैं उसको मैंड्रिल की बात करें, मैंड्रिल का उपयोग कहां करेंगे, जहां वर्कपीस खोखला होगा तब ना हम घुसा देंगे, बोलो ना रे, यही ना मैंड्रिल है, जो घुस जाएगा ऐसे ऐसे करके हम लोग काट देंगे, तो मैंड्रिल का उपयोग खोखले वर्कपीस में, जब मैंड्रिल का उपयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ कट देंगे कि कॉम देंगे, आप पूरे ब्यास की मशीनिंग एक के बार में हो जाएगा, बोलन रे, स्पिंडल, स्पिंडल निकेल क्रोमियम स्टील का बना होता है, उसमें भी लंबे बेलनाकार वर्कपीस को दिया जाता है, कॉलेट चक में भी लंबे बेलनाकार वर्कपीस को, कॉलेट चक में निशान पड़ेगा, कॉलेट चक और स्पिंडल को किसके द्वारा पकड़ा जाता है, फोर्जर चक के द्वारा, बोलो ना, मैग्नेटिक चक पे खाली फेरस मटेरियल की नॉन फेरस मटेरियल, अरे मैग्नेटिक चक पे फेरस ना, हाइड्रोलिक चक का दूसरा नाम न्यूमेटिक चक, हाइड्रोलिक चक का दूसरा नाम, हाइड्रोलिक चक का दूसरा नाम कौन सा, न्यूमेटिक, क्लियर। आज की कार्रवाई को यहीं तक रखेंगे।